चाहे वह थोड़ा अपना है चाहे वह थोड़ा बेगन है, कोई भी परसन है, प्यार एक हद तक होंगे। अगर वो कोई परसन थोड़ू गुड बैड टच करने की कोशिश कर रहा है, थोड़े प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश कर रहा है, सो प्लीज़ उस टाइम पर अपनी आवाज़ उठाओ। यंगस्टर जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं इह लगदा है कि मेरी लाइफ दे विच आ लड़की आई जां आ लड़का आया, इह हुण चला गया तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लवां, ऐसा नहीं हुंदा हैगा। तुसीं इक वारी अपने माँ प्यो बारे तां सोचो जिन्हां ने तुहानूं बचपन तों लैके पढ़ाया लिखाया वड्डा कीता, उन्हां दे किन्ने सुपने ने, तुसीं उन्हां बारे तां सोचो। मोटिवेशन थोनू खुद तो मिलती है, तुसी अपने पास्ट बारे सोचो थोनू अपने आप मोटिवेशन मिलेगी, तुसी अपने फैमिली नाल टाइम स्पेंड करो थोनू अपने आप मोटिवेशन मिलेगी। थोनू मोटिवेशन लैन वास्ते किसी इंसान को ले जाके हाथ अड्डन की जरूरत नहीं है, कि पूरी दुनिया दे विच एवें दी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन ना हो। मेरी लाइफ दे विच बचपन तो लैके हुण तक इन्ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं फेस कीतियां ने, कई बार मैं कल्ली बैठी हुई हूँ तो मैं हसदी हाँ कि जिन्ना समा मैं हुण अपनी लाइफ दे विच देखिया तो एक 80 साल दी बुजुर्ग महिला है ना, वो अपनी लाइफ च देखती है। चाहूंगी कि क्या कोई इंसिडेंट आप अपना शेयर करना चाहो कि आपने ये सोशल वर्कर बने हो, क्या सोच के बने हो, लोगों को आप अवेयर कर रहे हो गुड टच बच्चों को बैड टच के बारे में बता रहे हो, क्या सोच के आपने जो ये स्टेप लिए इतना बड़ा, वैसे आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन क्या सोच के ये स्टेप आपने लिया? पहला सब तो पहला अपने आप को प्यार करो, अपने हालात तो सीखो, बचपन तो लेके हुण तक बहुत कुछ सीखिया, क्यों सीखिया, क्योंकि धक्के खाधे धोखे खाधे राइट, अपने तो खाधे बेगाने तो खाधे। सो इस दे विच बच्चियां नूं गुड एंड बैड टच बारे अवेयर करना शुरू किया। 2016 दे विच मैनूं लग्या कि मैनूं बच्चियां नूं स्कूल्स दे विच जाके अवेयर करना चाहिए। असीं बच्चियां नूं एजुकेशन दे रहे हाँ, असीं बच्चियां नूं पढ़ा रहे हाँ, लेकिन जिहड़ी अब्यूज़ दे बारे अवेयर करना, यही एजुकेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। इस सब तो पहला सानू अपने बच्चों नू सिखानी चाहिए है। अगर तुसी अपने बच्चे नू गुड एंड बैड टच बारे अवेयर कर दोगे तो हो सकता है जिहड़े रेप दे केसिस ने या जिहड़े अब्यूज़ दे केसिस ने उन्हां केसिस तो जिहड़ा हैगा उन्हां घटनावां तो साडा बच्चा बच जावे। दस के विचों अगर सत्त केस की गल करिए साढ़े घर के बहुत सारे लोग होंगे ने जो सा शोषण करते हैं, आजकल के परिवार वाले अपने बच्चों को हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, पढ़ना कैसे है खेलना कैसे है हर चीज़ के बारे में बताते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके अच्छे बुरे के बारे में नहीं बताते, जिसे हम गुड टच या बैड टच बोलते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि वो बात बच्चों से कैसे करेंगे, और अगर करेंगे भी तो बच्चों को क्या फील होगा। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज अनामिका संधू जुड़ चुकी हैं, जिन्हें आज पूरा पंजाब जानता है, जो एक सोशल वर्कर है जिन्होंने एक मुहिम चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को शोषण से बचाओ। घर घर जाकर वो बच्चों को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से गुड टच और बैड टच के बारे में उनको जानकारी देते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। मैम, आप बच्चों को जागरूक करते हो, आपने एक मुहिम भी चलाई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, तो आप किस तरह से बच्चों को जागरूक करते हो? जी, सो शैना 2016 दे विच मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अते बेटी नूं शोषण तो बचाओ यह जिहड़ा कैंपेन से मुहिम मैं स्टार्ट कीती। सो इस दे विच बच्चियां नूं गुड एंड बैड टच बारे अवेयर करना शुरू किया। तो अगर गल करिए इस चीज़ की मैनू क्यों लोड़ पई है ना, बचपन तो लैके हुण तक काफ़ी चीज़ां फेस कीती हैं, जिस तरह तुसीं पहले ही दर्शकों नूं दस चुके हो काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही आ। हर इंसान अपनी लाइफ दे विच स्ट्रगल करदा वक्खो वक्ख तरह दा, सो मैं भी अपनी लाइफ दे विच काफ़ी चीज़ां फेस कीतियां। सो 2016 दे विच
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਰੇਪ ਕੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ। मैम कहते हैं कि आजकल जो बच्चे अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो जितने भी केस, कई केस जो है वो घर से ही निकल के आते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे घर पे भी, बाहर तो क्या सुरक्षित होंगे, वो अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल शाइना, अगर असं गल करिए तो 10 के विचों अगर 7 केस की गल करिए साढ़े घर के बहुत सारे लोग होंगे ने जो सा शोषण करते हैं, है ना। अगर छोटे बच्चों की गल करिए तो उन्होंने अगर तुम गुड एंड बैड टच बारे अवेयर नहीं करोगे तो उन्होंने पता ही नहीं है कि अब्यूस होंगे की है, या उन्होंने अगर शोषण हो भी रहा है तो उन्होंने पता ही नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ कहनी होंगी कि जिस इंसान के दिमाग के गंदगी भर गई ना, वो ये चीज़ भुल जाता है कि मेरा अपना या बेगाना, राइट। ओदे वास्ते एक मास का टुकड़ा है, उन्हें एवं नहीं देखना हैगा कि यह कुड़ी का शरीर है या मुंडे का शरीर आ, ओदे वास्ते मास का टुकड़ा और उन्हें सिर्फ नोचना है। सो बच्चों नू ये चीज़ बारे अवेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है साढ़े आप दे परिवार के मैंबर हैगे ने, लेकिन प्यार दिखाते हैं, लेकिन प्यार एक हद तक होंगे, है ना। मोस्टली मैं जो जूम सैशन करती हूँ तो वो मैं बच्चों अवेयर करती हाँ कि अगर कोई थोनू लिप किस करन की कोशिश कर रहा, अगर थोनू थोड़े प्राइवेट पार्ट्स नू टच करन की कोशिश कर रहा, चाहे वह थोड़ा अपना ही क्यों है, है ना, अपना ही क्यों ना होवे, तुसी उस चीज़ से उन्हों नो कहना, राइट, और उन्हों पुश करना। कदे भी ये चीज़ नहीं सोचना है कि मेरा अपना है और इनू मैं किवें रोकां। मोस्टली की होंगे ये चीज़ा देखने को आईया गई ने जिथे बच्चों को ये डर हो जाता कि मेरा आपदा है और इनू मैं किवें रोकां, राइट। सो चाहे वह थोड़ा अपना है, चाहे वह थोड़ा बेगाना है, कोई भी परसन है, प्यार एक हद तक होंगे। अगर वो कोई परसन थोनू गुड बैड टच करन की कोशिश कर रहा है, थोड़े प्राइवेट पार्ट्स नू टच करन की कोशिश कर रहा है, सो प्लीज़ उस टाइम पर अपनी आवाज़ उठाओ। अपनी आवाज़ उठानी बहुत जरूरी है, जिन्ना तुसी डरोंगे वह इंसान उन्ना ज़्यादा थोनू डराएगा। मैम आप एक सोशल वर्कर हैं, आप बात कर रहे हो बच्चों को आप अवेयर करते हैं, आप शहरों में जाके अवेयर करते हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं जिनके पास कमी है अवेयरनेस की, आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं चीज़? नहीं शाइना, मैं सिर्फ अगर गल करा तो सिर्फ स्कूल्स सिटीज़ के विच नहीं, मेरे पिंडा दे विच भी मेरे सैमीनार्स होंगे ने, लाइक जिमें आशा वर्करस ने, है ना, पिंडा दे विच जिहड़ी आशा वर्करस होंदियां ने, सो उन्होंने जिमें इकट्ठा कर लिया, उन्होंने बच्चों इकट्ठा कर लिया, सो उन्होंने अपने आंढ गुआंढ के बच्चों इकट्ठा कर लिया, सो उत्थे भी मेरे अवेयरनेस सैमीनार्स होंगे रहते हैं। जैसे गौरमेंट स्कूल ने, गौरमेंट स्कूल के भी मेरे अवेयरनेस सैमीनार्स होंगे ने। और अगर गल करा तो मैं जूम ऐप की, तो अगर गल करिए अपना टैक्नोलॉजी की, तो जो मोबाइल फोन है सिर्फ सिटीज़ नहीं, पिंडा दे विच हर बच्चे हर इंसान के हाथ के विच ने, सो फोन के उपर भी असं अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। मैम आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो आप किस तरीके जो टॉपिक है वो अपने स्पीच पे लोगों को अवेयर करने के लिए यूज़ करते हैं? शायद मोस्टली की है अज के
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰਾਈਟ। ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜਾਂ ਆਹ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਖੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕੋ, ਵੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਨਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਫੇਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਮ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਜਾਣਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਟੱਚ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ, ਵੈਸੇ ਆਪ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਨ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਸ ਰੱਖੋ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧੇ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧੇ, ਸਮਝ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ।
अगर आज अनामिका संधू नू कोई जानदा तो इस करके जानदा क्योंकि मैं अपनी जिंदगी तो कुछ सीखिया और अगे सिखा रही हाँ। अगर धक्के खा के धोखे खा के हार जाती निराश हो जाती तो अज तुसी मेरे को आंदे नहीं आंदे। अज तुसी मेरे को आए हो क्योंकि मैं अपने आप नू प्रूफ किया उन्हां लोकां सामने जेडे सोचते सी ए ता एदी औकात की आ राइट उन्हां लोकां सामने जेडे कहंदे सी इन्हें तो कदों भी मर मुक जाना राइट अपने आप नू प्रूफ करो हमेशा और उन्हां लोकां अगे प्रूफ करो जेडे चाहुंदे ने कि तुसी डिगो लेकिन तुसी डिगना नहीं आ तुसी पत्थर तो टकरा के तुसी खड़े होना और दौड़ना ये चीज़ हमेशा मैं सबनों सिखाउनी है। मैम जैसे आपने बताया आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस की है पहले की लाइफ को छोड़ के अगर हम अब की लाइफ की बात करें तो अब की लाइफ आपकी कैसे चल रही है आप बच्चों को भी अवेयर कर रहे हो। अगर हुंदी लाइफ की गल करें शायद तो हुंदी लाइफ मेरी बहुत अच्छी है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ। कहते हैं कि जो तुम किसी दूजे इंसान का दुख सुनते हो ना थोनों अपना दुख छोटा लगन लग जाता है ना नानक दुखिया सब संसार इस दुनिया के हर इंसान का कोई ना कोई दुख है लाइक थोड़ा भी होएगा मेरा भी है राइट लेकिन जो असी मैं थोड़ा दुख सुनूंगी ना तो मैनू छोटा लगेगा तुसी मेरा दुख सुनोगे तो थोनों आपका छोटा लगेगा राइट। तो जो हम मेरे को बहुत सारे केसिस आते हैं तो बहुत सारे बच्चों के केसिस आते हैं बहुत सारे फीमेल्स के केसिस आते हैं तो जो असी उन्होंने दुख सुनते हैं ना तो सानू ऐ लगता है कि नहीं ये इंसान मेरे नालों ज़्यादा दुखी है इनू शांति की जरूरत है इनू हौसले की जरूरत है राइट। और दूसरी गल करा दुख और सुख साडे जिंदगी दे दो पार्ट ने एक चीज़ है तो दूजी जाएगी एक आएगी दूजी जाएगी ये आंदा जाना लग्या रहिंदा जो तक साडी जिंदगी चलती है राइट। तो ये नहीं कदे कह सकते कि अज मैं बहुत सुखी हाँ या अज मैं बहुत दुखी हाँ ये चीज़ आप नहीं कह सकते है। सो दुख सुख ठीक है अंदर अंदर बट पहला नालों मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो उम्मीद करती हूँ कि अगे भी अच्छी चलेगी। कभी आपके पास्ट का जो असर है आपके प्रेजेंट पे आपके फ्यूचर पे नहीं कभी भी नहीं, नहीं कभी भी आपके माइंड में आ जाता है आप बच्चों की सुनते हो तो कभी अपने माइंड में ही आ जाता है कि यार इस चीज़ से तो मैं निकली हूँ। हाँ देखो एक चीज़ तो हैगी है कि जेडे जख्म थोनू बचपन च मिले होन है ना क्योंकि मैं हमेशा कहनी हूँ कि कुछ जख्म होंगे ने साडे शरीर के जेडे भर जाते हैं लेकिन कुछ जख्म होंगे ने साडे जेडी आत्मा ते लगे होंगे ने वो कदे नहीं भरते है। तो मैनू लगता है कि मैनू जेडे जख्म मैनू बचपन च मिले ने वो कदे भर नहीं सकते है कदे भी नहीं। आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे जो बच्चे जिनके साथ कुछ ना कुछ होता है लेकिन वो फिर अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं आगे बढ़ने की कुछ नहीं सोचते। देखो मैं हमेशा एको चीज़ कहनी हुन्नी है कि कदे भी जिंदगी तो हार ना मनो है ना जिस तरह दुख सुख आंदा जांदा रहिंदा साडे कर्मा दे हिसाब नाल सानू जो मिलदा साडे कर्मा दे हिसाब दे नाल मिलदा है। अगर कोई इंसान थोड़े नाल गलत कर रहा है जां जिसने गलत कीता है राइट उहनू किते ना किते जाके वो कर्मा के हिसाब न उन्होंने चीज़ मिलनी मिलनी है लेकिन तुम कदे भी किसी इंसान ने अगर थोड़े न गलत किया अपनी जिंदगी ख़त्म ना करो सगो एक इंसान के गलत होने जे बाकी जड़े इंसान ने वो सही ने थोड़े नाल है ना तुम उन्होंने बारे सोचो उन्होंने बारे सोचो कि मैं तो उन्होंने वास्ते जीना ना ये लाइफ उन्होंने है उस इंसान की नहीं है जोड़ा मेरे न गलत करके गया ये मेरी लाइफ उन्हां दी है जो मेरे नाल सही ने। जिंदगी दे विच कदे भी हार ना मनो अपनी आवाज़ हमेशा उठाओ जिथे भी थोनू लगता है कि गलत है चाहे वह थोड़े नाल हो रहा जां किसी होर नाल हो रहा उत्थे आवाज़ उठाउणी तां बनदी है आवाज़ उठाओ हमेशा। अज दे समय दे विच तां मोबाइल फोन सब दे हथ दे विच ने उहनू यूज़ करना सीखो कि उहनू सही तरीके नाल असीं यूज़ किवें करना राइट। टेक्नोलॉजी है वो उपर देखो अपनी आवाज़ नू उठाओ बहुत सारे केसिस ने जो फेसबुक के उपर लाइव हो जाते हैं बहुत सारे केसिस ने जोड़े यूट्यूब के उपर आ जाते हैं राइट। सो अपनी आवाज़ उठाओ हमें कदे भी घबराना नहीं है डरना नहीं है कदे भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ अनामिका संधू
जिन्होंने आज हमें बहुत सी बातें बताई, बहुत सी चीज़ें बताई। इन्होंने एक मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही बेटी को शोषण से बचाओ। जो इनका मेन मकसद है वो बच्चों को अवेयर करना है, उनको अवेयर करना है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, उसके बारे में जानकारी देना है। इनका कहना है कि बच्चे अवेयर नहीं हैं, उन्हें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर किसी के साथ कोई ऐसी घटना हुई है तो उन बच्चों को जागरूक होना चाहिए, अपनी जो आवाज़ है उसे उठाना चाहिए, डर के नहीं बैठना चाहिए। कैमरामैन उपनीत के साथ मैं शाइना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, बठिंडा।